ट्रायआउट कौन था जो देखिए गॉडलाइक के इर्द गिर्द कितनी सारी टीमों का वो रोटेशन देखने को मिल रहा है। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स की जो टीम है उनके काफी करीब से गुजरते हुए आदित्य शॉट्स फायर करते हैं, कनेक्शन एक भी नहीं था, लेकिन आदित्य के सामने से वो वेकल अभी आता हुआ चलिए वापस सामने फायर किया और वेकल से कुचलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर वेकल नहीं वेरॉन जो है यूएमडी के साथ आदित्य को कर चुके डाउन। एट द सेम टाइम निंजा भी नॉक हो चुके हैं, लेकिन जेरी का ये नॉक शायद टीम गॉडलाइक के लिए चीज ये बद से बदतर कर सकता है, तब्दील कर ही देगा। डार्क लेन जो कि उठा रहे हैं यहाँ पर जी गॉड, बार बार वो प्रहार चल रहा है, पीछे से एक और टीम का आगमन देखने को मिलता नजर आएगा। जी हाँ, कुछ रात टाइगर्स की अब एंट्री देखने को मिलती है शायद यहाँ पर नजर आने वाले। जी हाँ, जहां तक ये फाइट लेके जा सकते हैं तो हम तो यहीं पर रुकेंगे, और वेरॉन की जो लोकेशन है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। बट आदित्य देखिए बहुत क्योस अभी हुआ है क्योंकि अब गुजरात टाइगर्स भी आ चुके हैं, जेली को डाउन किया जाएगा। आइकू सोल की एक अलग छोर पे फाइट होते हुए इस बीच में एक और फिनिश पॉइंट जो कि भी कंफर्म किया गया, शायद सिराज को फिनिश किया गया था वहाँ पे जैसा मैंने देखा है, लेकिन गुजरात टाइगर्स की जो टीम है प्रिंस शायद वहाँ पे फंस सकते हैं क्योंकि जी गॉड आगे की तरफ जाते हुए दिखेंगे, और इस बीच में जोनाथन ढेर सारे शॉट्स भी फायर करते हैं, लेकिन फिर अचानक से जी गॉड का नॉक होना, यानी कि अब गॉड लाइक भी एलिमिनेशन की तहरीर पे खड़ी है, लेकिन जोनाथन इकलौते प्लेयर M416 के साथ वो एक बहुत अच्छा नॉक प्रिंस को डाउन किया, लेकिन एक नॉक फिर दूसरे को भी डाउन किया, जैक्सन को कर चुके डाउन इकलौता ये खिलाड़ी, लेकिन अपने बलबूते पर दो को नॉक करते हुए क्या आखिरी प्लेयर को फिनिश ऑफ कर पाएंगे जलेबी उनके नजरों के सामने 1v1 का सिचुएशन। नाइस ट्राई यार जलेबी ने, और मजा भी उतना ही आने वाला भाई। तो प्लेस डाउन होंगे, इधर शॉट लिए जाएंगे टीम 11। ट्रायआउट कौन था जो सुबह खेल रहा था? गाइस वो कुछ नहीं था, मतलब अभी के लिए तो मैं आदित्य ये जॉनी और जली खेल रहे हैं। ट्रायआउट का हिंट गाइस, अभी किसी का ट्रायआउट कुछ हिंट नहीं। स्क्रिम्स में क्या सीन हो रहा है, ऐसा परफॉर्मेंस गाइस देखो, स्क्रिम्स में कुछ नहीं हो रहा, हम सिर्फ फाइट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस मैच में जोन हम पे आ जाता है हम जोन होल्ड करने की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी हम सिर्फ फाइट ही ढूंढ रहे हैं फाइट, क्योंकि अभी टीम के अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डाउन है। ये मैं आपको रीज़न नहीं दे रहा, आपको रीज़न जैसे लेना भी नहीं है, अगर आप ले रहे हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। हम सिर्फ फाइट ढूंढ रहे हैं, हम खुद का कोऑर्डिनेशन इंप्रूव कर रहे हैं, बंदों का कॉन्फिडेंस डाउन है उनका कर रहे हैं। ये तो पहले भी बोला, तो अभी भी वही कर रहे हैं ना, अभी इंप्रूव होगा तभी तो। तुमको क्या लगता है मतलब कि हम भाई, आधे लोग तो ऐसा स्पैम करते हैं ना कि तुम लोग सीरियस नहीं हो, तुम लोग ये नहीं हो, मतलब हम 8-8 घंटा मैच भी खेलें उसके बाद खुद का ग्राइंड भी करें फिर भी हम ही सीरियस नहीं होते, मतलब तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हम, हमारे को कुछ फील नहीं हो रहा कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, या हमको वो गिल्ट नहीं होता कि अपन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तुमको ऐसा क्यों लगता है? अपोलो का क्या सीन ब्रो? अपोलो का ट्रायआउट ले रहे थे बट RNT का उसका कुछ सीन है तो अभी तो पॉसिबल नहीं है अपोलो का ऐसा, बट अगर कोई प्लेयर लगेगा तो अपन देखेंगे टीम के हिसाब से कैसा सीन रहता है। अभी उसमें थोड़ी ना उसको खींच के लेके आ सकते, तुम लोग को सिर्फ ऊपर ऊपर का सीन पता रहता है इसलिए तुम ऊपर से देख के जज कर लेते, बाकी हमको भी पता है हमको क्या करना। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।